पास हमारे क्रिकेटर्स है, क्योंकि क्रिकेटर्स बेचारे यहाँ पे है, मतलब जेकेसीए में आज आपको पता ही है कि आज मतलब तरक्की का जमाना है, आप सबको पता है कि मतलब कितना करोड़, मतलब हंड्रेड ऑफ करोड़ रुपया जेकेसीए के पास है और था भी, मतलब हमने कब इसको बाहर निकाला? जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व है सबको, अगर अंपायर ही मतलब रह रहा है या स्कोरर ही, हर किसी को मतलब जो भी डिविज है थोड़े बहुत, मतलब 20,000, 30,000, 50,000 हर कोई बेचारा अपना चला रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में जो भी सिलेक्टर्स गए बाजाबता उनको भी पे किया जा रहा है, अगर वो सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है लास्ट ईयर कम से कम 1 करोड़ रुपया इन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में खर्च हुआ, जो आज तक अगर हम यही प्रोसेस पिछले मैं कहूँगा 20 साल से ही करते हैं, मुझे लग रहा है हम कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाते। तो ये चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जी इरफान पठान, दिस इज अनफॉर्चुनेट, मतलब इरफान पठान जैसा मतलब उस स्टेटस का प्लेयर, मतलब जिसने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया है, टेस्ट क्रिकेट रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद वर्ल्ड में उसका नाम है इरफान पठान, और वो बंदा जब वो रोपअप हुआ जेकेसी के साथ, मतलब उसके बाद वो बंदा चार महीने लास्ट ईयर वो जून में आया, 4 महीने उसने बच्चों के साथ यहाँ पे गुजारा, और वो इरफान पठान सिर्फ जेकेसी में नहीं रहा, वो इरफान पठान इंडिया का नहीं मैं कहूंगा वर्ल्ड का फेमस प्लेयर, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर एक जमाने पे होता था, वो यहां से कुपवाड़ा गया, बारामूला गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट में वो बंदा गया, और उसी इरफान पठान के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि इसने जी क्या किया, एयर ड्रॉप हुआ। एयर ड्रॉप वो बंदा होता है जो जेकेसीए ने 2-3 साल पहले एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया, एक दिन पहले कोच कम कैप्टन कम सिलेक्टर हर कुछ को हर कोई बना दिया। अगर मतलब ये चीजें होती, अगर हमने ये चीज होती, हम उस टाइम ये बात करते जी शाम को एक रणजी प्लेयर आप दूसरी स्टेट से ला रहे हो और उसको एक दिन पहले टीम का कप्तान, कामरान इकबाल इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर स्टेट रिसेंटली, वो नहीं आई एम रियली सॉरी, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि कामरान इकबाल, 2 साल में ये डेवलपमेंट हुई, कामरान इकबाल हमारा आज उसने इंडिया की अंडर 19 टीम को ज्वाइन किया, आई एम रियली सॉरी बहुत अच्छी चीज आपने कही, मैं ये चीज भूल गया था, बहुत मतलब मैं बहुत सी अगर और भी आपको कुछ चीज आ रही याद आ रही तो मुझे प्लीज बोले आप स्टॉप करें तभी हम। तो कामरान मतलब ये दो साल में इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, अच्छा एक बंदा आप रणजी का प्लेयर हमारे ऊपर मुसलत कर रहे हैं और उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज्यादा पैसा उस बंदे को हमने दिया, उस टाइम हमने किसी को एयर ड्रॉप नहीं किया, उस टाइम कोई उठा नहीं जी यार, आप बाहर के किसी बंदे को जो एक दिन पहले इरफान पठान ने तो 4 महीने यहाँ पे गुजारे, इरफान पठान का स्ट्रक्चर और बाकी लोगों का जो एक दिन पहले यहाँ पे आए वो भी आपको कम से कम बोलना चाहिए। तो यही चीजें मैं कहूंगा बस, बाकी मतलब जाति इख्तलाफ है, मतलब हर कोई 100% नहीं होता है, मतलब गलतियां हर किसी से होती है, गलतियां मैं नहीं कहूंगा कि 100% हर कोई 100% है, पर गलतियां होंगी, बट आप ये गलतियों और बाकी चीजों को अगर मिलाएंगे, अगर एक इंसान की 10 चीजें हैं, 7 वो अच्छा काम कर रहा है और 3 उसकी खामियां हैं, हम ये चीज कहेंगे कि उन खामियों को हम ये चीज कहेंगे कि उनमें बेटरमेंट हो, उनको मतलब लोगों के सामने लाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चला रहे उनके सामने लाए कि यार ये चीज काम करें, इस पे काम करें, रादर देन कि 70 साल में एक आप विकेट नहीं बना सके, 70 साल में आप एक टूर्नामेंट नहीं कर पाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब करते हैं सर।